Hello and welcome back to the channel. This is Ramisa and you are watching Ramisa's lecture series. In our previous lecture, we discussed about the poem Prayer, which is written by G.A. Mahjur. In today's session, we are going to deal with the very important topic, which is literary devices. First of all, we'll try to understand what are literary devices, then how many devices have been used in the poem. So let's get started. First of all, let's understand what are literary devices. So here, this word is very important. Literary devices. Device, what is a device? Device is any tool. Okay? And what is a tool? A tool can be anything through which we make any work feasible. Device कोई भी ऐसी चीज होती है जिसके जरिए से आप काम करते हो. For example, pen. Pen is a device through which we write. Book is a device on which we read. Okay? Similarly, all the objects, they are the tools and they act as tools. With these tools, we are able to handle any sort of work. So similarly, literary devices are those devices, those tools, which are used in the literature, okay, particularly in the poem. Yani, literary devices, aisi devices hoti hain, aise tools hote hain, jinko aap literature mein use karte ho, okay, yani they belong to the literature. ठीक, जैसे आपका कलम, आपकी बुक, ऐसे ही अब जो भी चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में, वो सारी डिवाइसेस हैं. ठीक है, ऐसे ही कुछ डिवाइसेस होती हैं जो लिटरेचर में यूज़ की जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं लिटररी डिवाइसेस. नाउ वी विल एक्सप्लोर कि कितने इसमें जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ की गई हैं, और फिर हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे. सो फर्स्टली, लिटरेरी डिवाइसेस जो कि मैंने अभी आपको समझाया, ये मैंने आपके लिए थोड़ा आसान होने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या है. दे आर बेसिकली टूल्स, ओके, फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन पोइट्री. क्यों हम इनको पोइट्री में यूज़ करते हैं? इन ऑर्डर टू जस्ट पोर्ट्रे परफेक्टली वॉट यू आर गोइंग टू पोर्ट्रे, जो आप डिपिक्ट करना चाहते हो वो परफेक्टली आ जाए, और क्लियर डिस्क्रिप्शन के लिए. ठीक है, यानी आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हो, व्हेन यू यूज दीज लिटरेरी डिवाइसेस एनीथिंग बिकम्स क्लियर. ओके, सो लिटरेरी डिवाइसेस हम कह सकते हैं दीज आर द रेटरिकल डिवाइसेस, ओके, यूज्ड इन लैंग्वेज, सो दैट व्हाटएवर यू आर डिस्क्राइबिंग इट विल बी परफेक्ट, इट विल बी क्लियरली क्लियर. ओके, सो ये जो डिवाइसेस होती है, ये आर्टिस्ट को और रीडर्स को हेल्प करती है ताकि वो क्रिएटिवली सोचे, ताकि वो इन डेप्थ सोचे आर्ट के बारे में एंड फॉर लाइफ ऑल्सो. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द मेन लिटरेरी डिवाइसेस विच हैव बीन यूज्ड इन द पोएम प्रेयर. फर्स्ट वन इज सिमिली. सिमिली क्या होता है? सिमिली को हम उर्दू में तशबिया कहते हैं. रिमेंबर, सिमिली को हम उर्दू में तशबिया कहते हैं. And what is the simile? Simile is a figure of speech, or you can say it's a literary device. This will be the first comment. कि simile जो है, ये literary device है. अब literary device अगर ये है, तो इसका काम क्या है? तो simile में basically क्या होता है? Simile is a comparison between two distinct objects. This we have to remember. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दैट मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स को, दो चीज़ों को आपस में कंपैरिजन किया जाता है, जो दो चीज़ें बिल्कुल आपस में अलग अलग होती हैं. ओके, दे आर नॉट सिमिलर, दे आर अनलाइक. तो दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में हम कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो इंसान हो, ऑब्जेक्ट हो. बट वी यूज लाइक और एज. कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बाय द यूज ऑफ लाइक और as. For example, she is like a moon. Here, this she, and we see the word like here, and here it's moon. ये जो she है, it's obviously a person, it's a human being.
इस शी को हम कंपेयर करते हैं मून के साथ. ओके, हम बोलते हैं somebody who is a female, she is just like a moon. She is not a moon actually, but we gave her qualities of moon. She is as beautiful as moon. तो हमने इस she को क्या बोला कि आप चांद जैसे हो. तो मैंने ये एक ये person है. Okay, this is a person. यहां पे this is a natural object. मैंने एक इंसान को नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया और कौन सा वर्ड मैंने यूज किया, लाइक. सो बाय दिस वी सी दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट. ओके, एंड दीज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैव बीन कंपेयर्ड बाय यूजिंग द वर्ड लाइक. वी हैव टू रिमेंबर शी का अलग एक एंटिटी है, मून का अलग एंटिटी है. ओके, दे आर नॉट इक्वल. उनकी पर्सनैलिटी, उनका एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग अलग है. दे आर डिस्टिंक्ट. लेकिन इन दो डिसिमिलर चीजों को हमने एक जगह पे कंपैरिजन लाया है और हमने लाइक का यूज किया है. तो जहां कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर हो, टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव बीन कंपेयर्ड बाय द वर्ड लाइक और एज. चाहे वो लाइक का वर्ड हो, चाहे वो एज का वर्ड हो. तो सिमिली में बेसिकली क्या होता है, सिमिली सिंपली इट्स अ कंपैरिजन. इसमें दो चीजों को कंपेयर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लाइक और एज. तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिमिली कहते हैं. उर्दू में जैसे कि मैंने कहा, इसे हम तशबिया कहते हैं. सो हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल फ्रॉम द पोइम which is used by G.A. Mahjoor. ये मैंने, ये जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दी थी, ये मैंने एक सिंपल सी एग्जाम्पल दी थी अपने तौर पे. बट क्या सिमिली जो है, लिटरेरी डिवाइस जो है, क्या ये आपकी पोइम में, प्रेयम में, क्या कहीं पे सिमिली जो डिवाइस है ये यूज की गई है? Has it been used in the poem or not? Let's see. In poem, there's a line like dew. How long shall I wait for the first flash of sun? This line is in the second stanza of the poem. Now see, here poet says, I am like a dew. He compares himself with a dewdrop. I am like a dewdrop. Okay, so here we see like. So just like poet is saying, I am like a dewdrop. Dewdrop. So here we see the word like. तो poet क्या है, वो क्या करता है, वो अपने आप को, he compares himself with a dewdrop. He is just like a dewdrop. He is waiting for the first flash of sun. Okay, like a dewdrop. He is like a dewdrop and he is waiting for the first flash of sun. Here, which device has been used? We can say simile has been used. Okay, so is this clear? Yes, I think. Let's start another device. Now, before going into the second device, let us understand why do we compare. Okay, what is the aim and objective of comparison? So objective kya hota hai comparison ka? In order to elevate your beloved. Okay, jisko aap compare karte ho, आप क्या करते हो, यू वॉन्ट टू एलिवेट हिज पर्सनैलिटी. ओके, यू वॉन्ट टू एनहेंस हिज ब्यूटी, से फॉर एग्जाम्पल. ओके, सिमिलरली इफ वी से नोबिलिटी, ब्यूटी, पावर ऑफ सब्जेक्ट. सो थ्रू दिस कंपेरिजन वॉट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग, यू आर एनहांसिंग, यू आर ट्राइंग टू एनहांस द नोबिलिटी, ब्यूटी और द पावर ऑफ द सब्जेक्ट. Okay, for example, when I say you are like a lion, so I compared you with the lion, this one. But what I am actually trying to do, I am actually saying this you, he is as brave as lion. I am not saying ki wo lion hi hai sach mein. Okay, somebody may ask you that you are a liar,
You said he is a lion. He is not actually a lion. He is a human being. Okay? So you can say, this is the art of saying. Okay? This is rhetoric. This is how we change our language. This is how we say. So basically you are trying to say that the person, he is as brave, he is as courageous as lion. So why do you compare you with the lion? Because you wanted to show how courageous he is. So actually you were trying to portray his bravery. Okay, you were not you had not intentions to make him like a lion. No, आप क्या करना चाहते थे? आप यू को बोलना चाहते थे, आप इस इंसान को बोलना चाहते थे हाउ ब्रेव यू आर, आप कितने बहादुर हो, और उस बहादुरी को समझाने के लिए यू कंपेयर्ड हिम विद लाइन. दिस इज एज सिंपल एज वी कैन अंडरस्टैंड. ओके, सो आगे जो हमारा कंपैरिजन का जो एक रूल है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि कंपैरिजन का क्या रूल है. व्हेनेवर वी कंपेयर वन ऑब्जेक्ट विद द अदर, हमें याद रखना है वो एप्ट होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी की किसी बिलाउड की आप ब्यूटी बयान करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू हाईलाइट द बिलाउड्स ब्यूटी, ओके, अगर आप उसकी खूबसूरती को बयान करना चाहते हो, सो विद होम यू विल कंपेयर हिम. ओके, आप उसको उस चीज़ के साथ कंपेयर करोगे जो खूबसूरती में उससे बढ़कर हो. ओके, जो नोबिलिटी में उससे ज़्यादा हो, जो बहादुरी में उससे भी बढ़कर हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू हाईलाइट द ब्यूटी ऑफ बिलाउड, यू विल कंपेयर हिम विद द फ्लावर, यू विल कंपेयर हिम विद मून, और विद ऑल दोज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विच आर कंसिडर्ड टू बी मोर ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव. ओके, तो कंपैरिजन करने के लिए आपको रूल याद रखना है कि जब भी आप कंपैरिजन करेंगे, आप जिससे उसको कंपेयर करते हो वो ब्यूटी में, वो ब्रेवरी में, वो सॉफ्टनेस में उससे ज़्यादा भी आगे होना चाहिए. एंड दिस इज़ हाउ वी कैन यूज अप्रोप्रिएट कंपैरिजन्स. ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर, लेट्स गो. सेकेंड वन इज़ मेटाफोर. अब आपकी जो पोइम है प्रेयर, इसमें एक और डिवाइस यूज़ की गई है जिसे हम मेटाफोर कहते हैं. मेटाफोर को उर्दू में हम कहते हैं, मेटाफोर को आप उर्दू में इस्तियारा कहते हैं. ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मेटाफोर वी कॉल इट इस्तियारा. सो इट्स अगेन अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर सेम थिंग हैपन्स. यहां पे भी आप कंपैरिजन करते हो, बट यू डोंट यूज लाइक और एज. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दिस इज द डायरेक्ट कंपैरिजन. यू कंपेयर वन थिंग विद द अदर, आप एक चीज को कंपेयर करते हो दूसरे चीज के साथ विदाउट यूजिंग लाइक और एज. ओके, सो इन अ वे यू कैन से कि ये डायरेक्ट कंपैरिजन है. यहां पे आप लाइक और एज यूज नहीं करते हो, बल्कि आप उस एक चीज को बोलते हो कि तुम वही हो. ओके, और ये वाला जो मेटाफोर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. किस अगर हम कहते हैं कि सिमिली पावरफुल है या मेटाफोर पावरफुल है, सो वी कैन से कि मेटाफोर इज मच मोर पावरफुल देन सिमिली. क्यों? क्योंकि हम इसमें एज और लाइक का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम इसको डायरेक्टली किसी चीज को बोलते हैं कि तू वैसा है, हैं? ऐसे बोलते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए लाइन. इस लाइन में आप देखते हो यहां पर यू जो है इसको मैंने कंपेयर किया लाइन के साथ. सो दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम लाइन. ओके, ये इंसान है, दिस इज अ लाइन, दिस इज एन एनिमल. ओके, आई कंपेयर दीज टू थिंग्स, सॉरी, आई कंपेयर यू विद द लाइन, बट आई डिडंट यूज एनी वर्ड हियर लाइक और एज. आई डायरेक्टली सेड यू आर ए लाइन, तुम सच में तुम शेर हो. ये मैं डायरेक्टली कह रहा हूं, मैंने कहीं पे लाइक यूज नहीं किया, मैंने कहीं पे एज यूज नहीं किया, तो यहां पे मैं उसको डायरेक्टली बोलता हूं यू आर ए लाइन. तो मेटाफोर में क्या होता है, लाइक और एज यूज नहीं होता, एक चीज को डायरेक्टली दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया जाता है, ताकि इसको हम, फॉर एग्जांपल यहां पे जो यू है, हम इसको बोलना चाहते हैं यू आर ए लाइन, ऑल्दो ही इज नॉट एक्चुअली लाइन, बट यू वॉन्ट टू हाईलाइट द ब्रेवरी ऑफ ए पर्सन. आप उसकी बहादुरी बयान करना चाहते हो, इसलिए आपने बोला यू आर ए लाइन, तुम शेर हो. सिमिली में क्या होता है, उसमें ट्रांसलेशन होता है तुम शेर जैसे हो, लेकिन यहां पर ट्रांसलेशन होगा तुम शेर हो. ठीक है, तो ये ज्यादा पावरफुल माना जाता है एज कंपेयर टू सिमिली. सो वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम व्हिच वेयर द पोएट हैज यूज्ड
the device metaphor. First example is nectar of knowledge. अब यहाँ जो नेक्टर ऑफ नॉलेज है, नॉलेज को क्या बोला गया है? नेक्टर जो है, नेक्टर इज यूजुअली सीन इन द फ्लावर्स, ये फ्लावर्स में देखा जाता है, लेकिन नॉलेज का कौन सा नेक्टर है? ओके, वी कैन से हियर द एसेंस ऑफ नॉलेज, द एसेंस ऑफ नॉलेज. ओके, लेकिन नॉलेज का नेक्टर होना ये पॉसिबल नहीं है. नेक्टर सिर्फ फ्लावर्स के पास होता है, फ्लावर्स को होता है, नॉलेज का कोई नेक्टर है ही नहीं. ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये पहली एग्जांपल है वेयर मेटाफोर हैज बीन यूज्ड बाय द पोएट. ओके, नेक्टर ऑफ नॉलेज फर्स्ट एग्जांपल. द वे ऑफ ट्रूथ, देयर इज नो वे विच यू कैन कॉल एज ट्रूथ, सच्चाई का कोई रास्ता नहीं है. ठीक है, जैसे किसी लेन का नाम होता है, मान लो लेन नंबर 1, तो किसी लेन का नाम आप नहीं देखोगे ट्रूथ. तो ऐसा कोई रास्ता है जो सच का रास्ता है सच में? ओके, इन रियल लाइफ वी डिडंट हैव. लेकिन जब ये बोलता है कि एक ऐसा रास्ता जो कि सच्चाई का रास्ता है, ये इसको इस रास्ते को डायरेक्टली कंपेयर करता है ट्रूथ के साथ. सो हियर इट इज मेटाफोर यूज्ड बाय द पॉइंट. थर्ड एग्जांपल इज ड्वेल इन इग्नोरेंस. सो हियर इग्नोरेंस इट हैज बीन ट्रीटेड एज अ प्लेस, जैसे कि इग्नोरेंस कोई जगह है और कोई बंदा वहां इग्नोरेंस में रह रहा है. तो यहां पे ये जो इग्नोरेंस है इसको ट्रीट किया गया है एज प्लेस विदाउट यूजिंग लाइक, और एज इट हैज बीन ट्रीटेड लाइक अ प्लेस. ओके, तो इग्नोरेंस जो है इसको डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है एक प्लेस के साथ. तो हम कह सकते हैं यहां पे भी पॉइंट ने सिमिली सॉरी मेटाफोर का यूज किया है. उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, यू आर माई होप एंड ट्रस्ट. गॉड हैज बीन रेफर्ड एज होप एज ट्रस्ट. ठीक है, हालांकि होप बिल्कुल अलग टर्म है, ट्रस्ट एक अलग टर्म है. सो हियर यू हैज बीन कंपेयर डायरेक्टली विद द होप एंड विद द ट्रस्ट. वी कैन से दिस इज अ मेटाफोर यूज्ड हियर. दिस इज वन एग्जांपल अगेन. एंड द लास्ट एग्जांपल फ्रॉम मेटाफोर इज यू ब्रॉट मी टू ब्लूम. अब मैं अगर आपसे कहूं कि ब्लूम कौन सी चीज करती है, व्हाट थिंग ब्लूम्स, कौन सी चीज ब्लूम करती है, सो यू कैन डायरेक्टली से फ्लावर्स, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं. ओके, तो लेकिन पोइट कहता है यू ब्रॉट मी टू ब्लूम, तो एक इंसान कैसे ब्लूम कर सकता है, ही इज नॉट अ फ्लावर. ओके, तो फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, तो डायरेक्टली कंपैरिजन होता है कि आप क्या करो मुझे, आप ब्लूम मुझे, जिस तरह से फ्लावर्स खिल जाते हैं इसी तरह से मुझे भी खिला. ठीक है, मुझे भी ब्लूम कर. तो यहां पे यू को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है ब्लूम के साथ. सो वी कैन से दिस इज a metaphor. So I think this is clear. Okay, let's go to the third literary device. Imagery is again a literary device, which means through this device, writer or poet is able to create mental pictures in the readers, creating mental pictures. Say for example, when I quote the line, say this poem, sorry, this line here, autumn leaves are blanket on the ground. This is a line. If you focus on the same line, autumn leaves are blanket on the ground. So you are imagining there are actually leaves on the ground which act as blanket. Okay? तो यहां पर जब मैंने line कही तो आपके दिमाग में एक mental picture आ गई. Okay? You created a mental picture in your mind. ओके, बट हाउ आर यू एबल टू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स, क्योंकि राइटर ऐसे लिखता है, राइटर ऐसे वर्ड्स का यूज करता है थ्रू विच यू आर एबल टू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स. इन अ वे यू कैन से यू आर फोर्स टू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स. ओके, दिस इज द आर्ट ऑफ सेइंग थ्रू विच यू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स. ओके, से फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से आइस, हम सब के दिमाग में आइस की इमेज आ जाती है, और व्हेन आई से आइसक्रीम, तो सबके दिमाग में आइसक्रीम की एक मेंटल पिक्चर आ जाती है. दिस इज हाउ वी यूज इमेजरी. ओके, तो वर्ड्स के जरिए से जो रीडर्स होते हैं उनके माइंड में पिक्चर्स बनाई जाती हैं जिन्हें आप इमेजरी कहते हैं. ओके, तो पोएम में ऑल्दो वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ इमेजरी, बट हियर इन टर्म्स ऑफ द पोएम वी डिस्कस ओनली टू टाइप्स ऑफ इमेजरी. फर्स्ट वन इज विजुअल इमेजरी एंड द सेकेंड इज ऑडिटरी इमेजरी. तो विजुअल इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू आई,
आंखों से जो आप देख पाते हो, यानी इस टाइप में क्या होता है, व्हेनेवर अ राइटर, व्हेनेवर द पोएट ही डिस्क्राइब्स एनी सीनरी, ओके, ही डिस्क्राइब्स द सीन, आपको ऐसा फील होता है जैसे आपने भी देखा हुआ है, ठीक है, यानी आप बोलते हो नहीं मुझे भी विजुअलाइज हुआ, मुझे भी जैसे विजुअल्स आ गए, मुझे भी पिक्चर्स आ गए। से फॉर एग्जांपल व्हेन आई से फ्लावर, आप दिमाग में फ्लावर की इमेज बनाते हो, सन की, ऐसे मून, सनसेट, ड्यू ब्लूम, ये सारी जो ये टर्म्स है, ये सारे वर्ड जो है, दे हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। सो विद दीज वर्ड्स वी आर एबल टू जस्ट इमेजिन और वी विजुअलाइज दीज फ्लावर्स, सन, मून, सनसेट, ड्यू एंड ब्लूम, ठीक है। तो ये हमारे, जैसे हम बोलते हैं कि हमने अपने आंखों से फ्लावर्स को देखा है, ओके। सेकंड जो टाइप है जो कि पोएम में आपकी यूज किए गए हैं, तो वो है ऑडिटरी इमेज। तो ऑडिटरी इमेज क्या होता है, ऐसी इमेज जहां पे राइटर जो है वो वर्ड्स का यूज करता है, उन वर्ड्स के जरिए से आपको लगता है कि मैंने भी सुना है ऐसा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी सिंग द सॉन्ग्स, लेट मी नॉट एवर चैंट, लेंड एयर टू माई वेलिंग। तो ये सारी ऐसी टर्म्स हैं जहाँ पे आपको जो ऑडियो के रिलेटेड हैं, आप जैसे सुन सकते हो, ठीक है, तो आप इमेजिन करते हो कि मैंने भाई सुना है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे व्हेन लेट मी सिंग द सॉन्ग्स, सो ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ऑल्दो ही डिडंट सिंग, बट वी गेस और वी रियलाइज द ऑडियो द सॉन्ग, ठीक है। तो मैं ऐसे गाने ना गाऊं जिससे लोगों में नींद आ जाए, हम जैसे सुनते हैं वो गाना। तो ये इमेजेस कैसी इमेजेस हैं, ये आपके ऑडियो के रिलेटेड हैं, आपके कानों के रिलेटेड हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ऑडिटरी इमेजेस। तो ये जो दो इमेजेस हैं, दे हैव बीन यूज्ड इन द पोएम बाय द पोएट, ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज एनाफोरा। पोएम में ये डिवाइस भी यूज की गई है, एनाफोरा। व्हाट्स एनाफोरा? एनाफोरा इज अ लिटरेरी डिवाइस जहां पे एक एक्सप्रेशन और एक वर्ड रिपीट किया जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव लाइंस, इन द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस, क्लॉजेस, फ्रेजेस और वर्सेस। यानी हर एक लाइन के बिगिनिंग में जो वर्ड, जो लेटर, जो फ्रेज बार बार इस्तेमाल किया गया हो, उसे आप एनाफोरा कहते हैं। आई रिपीट, एनाफोरा इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर words or expressions are repeated in the successive sentences, okay? Back to back जो sentences आते हैं, आप उसमें देखते हो वही word या वही sentence या वही phrase वापस repeatedly वो use किया जाता है। For example, William Blake ने एक poem लिखी है जिसका नाम London है, okay? William Blake has written a poem, its name is London, okay? तो लंडन इसने पोइम लिखी है, इसमें ये लाइंस यूज करता है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फेयर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, सी इन एवरी क्राई, इन एवरी, ओके। ये यहां पे सक्सेसिव लाइंस है, एक के बाद एक लाइन है और एक ही टाइप के वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है, लाइंस के बाद वर्सेस में, इसे हम एनाफोरा कहते हैं। सो एनाफोरा आर वर्ड्स और फ्रेजेस विच हैव बीन यूज्ड इन द लाइंस विच आर सक्सेसिव इन नेचर, ठीक है, एक एक लाइन के बाद वही वर्ड या वही फ्रेज यूज किया जाता है। और पोइम में कौन सी एग्जांपल है जहां पे आपको एनाफोरा का यूज होता है, वो है द वर्ड लेट मी। ये पोइम में आपको सेकंड स्टैंजा में यूज हुआ है, पहली ही लाइन है, लेट मी नॉट एवर चैंट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इन टू द डेड, लेट मी सिंग ऑफ दैट इंस्पायर्स पीपल विद लव। तो यहां पे आप देखते हो ये जो रेपिटेटिवली यूज की गई है लेट मी, ओके, दिस इज नन अदर देन एनाफोरा, ओके, एनाफोरा। तो एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा आर वर्ड्स और अ वर्ड विच इज सक्सेसफुली यूज इन द लाइन्स और इन द वर्सेज ऑफ अ पोएम, ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। The last device which have been used in the poem is antithesis. See, you all guys have heard thesis.
तो थीसिस आप लोगों ने सुना होगा तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी एंटी थीसिस को समझने के लिए, क्योंकि थीसिस इज समथिंग विच इज सॉरी एंटी थीसिस इज समथिंग विच इज एंटोनियम ऑफ थीसिस। थीसिस क्या होता है? ओपिनियंस, आइडियोलॉजी, ओके, थियरीज। अब आप जब उसी थीसिस का अपोजिट देते हो, ओके, आप उसी थीसिस को आप एक ऐसा स्टेटमेंट देते हो जो कि उस थीसिस को उल्टा करता है, उसको अपोजिट जाता है, ओके। सिंपली यू कैन से कि इसमें दो अपोजिट्स होते हैं। एंटीथीसिस इज अ डिवाइस इन विच टू अपोजिट्स आर यूज्ड, सो इट्स अ लिटरेरी टर्म। इसमें क्या होता है? इसमें जक्स्टापोजिशन होता है। यू मे से व्हाट इज जक्स्टापोजिशन? जक्स्टापोजिशन सिंपली मीन्स अपोजिंग टर्म्स लाना, पहले एक टर्म लाना फिर उसके बाद दूसरी टर्म लाना। फॉर एग्जाम्पल डे एंड नाइट, ये अब अपोजिट है, जक्स्टापोजिशन है, ठीक है। अपोजिंग एंटिटीज, अपोजिट पैरेलल स्ट्रक्चर्स में लाते हो आप। पहले आप एक बात बोलते हो फिर आप दूसरी बात बोलते हो। थीसिस एंटीथीसिस, सो एंटी इज अगेंस्ट थीसिस। आप व्हेन यू से स्टेटमेंट, उसके बाद आप स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए या उसको नेगेटिव करने के लिए आप उसको अपोजिट देते हो, जिसे आप कहते हो एंटी स्टेटमेंट, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सिमिलरली वी हैव दिस टर्म एंटी थीसिस। इसमें क्या करता है, जो राइटर है वो पहले अपनी ओपिनियन देता है या पहले वो कोई भी स्टेटमेंट देता है, लेकिन एंटी थीसिस को जब यूज किया जाता है तो उसमें टू अपोजिट टर्म्स लाई जाती हैं, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है, व्हेन यू गिव अपोजिट्स ऑफ सम टर्म, जब आप किसी चीज को अपोजिट देते हो वो चीज और ज्यादा डिस्क्राइब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल डे इज अंडरस्टूड क्लियरली व्हेन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट। जब आप नाइट को समझाते हो व्हाट इज नाइट, डे खुद ब खुद समझ आता है, ठीक है। तो अपोजिट पैरेलल्स जब आप क्रिएट करते हो आप कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो एंटीथीसिस इज फॉर दैट पर्पज। एंटीथीसिस में क्या होता है, यू गिव अ स्टेटमेंट, उसके बाद उस स्टेटमेंट को ही अपोजिट टर्म लाते हो, पैरेलल टर्म लाते हो जो उसको नेगेटिव करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो एक बहुत ही फेमस लाइन है, दिस मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, हियर मैन प्रपोजेज इज अ थीसिस। इसको नेगेटिव करने के लिए इसने एक पैरेलल जो है अपोजिट लाया, वह है गॉड डिस्पोजेज। सो व्हाट एवर मैन डज, जो भी इंसान करता है, गॉड अपोजेज दैट, ओके। खुदा ताला उस सारे प्लानिंग को उसको खत्म कर देता है। सो यहां पे इसके एफर्ट्स होते हैं लेकिन यहां पे सारे एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं, ओके। सो दिस इज थीसिस एंड दिस पार्ट इज एंटी थीसिस। यहां पे स्टेटमेंट दिया और यहां पे क्या किया, उसको नेगेशन किया। सो दिस डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द पोएम एंड वी हैव एन एग्जांपल हियर। द पोएट सेज In form, I am a man, but in substance, far from humanity. So here, the poet gives two statements. First of all, he says, I am a man. In form, in structure, as far as the body of a human is concerned, I am a man. But if in terms of substance, in terms of quality or essence, I am no longer a human being. Okay? So yahan pe thesis di thi, isi ko parallel अपोजिट टर्म दी, इन सबस्टेंस फार फ्रॉम ह्यूमैनिटी। ऑल्दो आई एम ए मैन, ओके, आई एम इन द फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, बट देर इज नथिंग लाइक एसेंस, द वैल्यू विच ह्यूमंस पोजेस, जो इंसानों में होना चाहिए था वो मुझ में है ही नहीं, बट ऑल्दो आई एम ए मैन। तो यहां पे स्टार्टिंग में क्या है, यहां पे थीसिस दी गई है और यहां पे एंटीथीसिस, ओके। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। So, all these devices have been used in the poem. So, एक छोटा सा रिकैप करके हम आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। हमने क्या किया, आज हमने थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस किया। लिटरेरी डिवाइसेस टूल्स होते हैं जिनकी वजह से आप क्लियर डिस्क्रिप्शंस देते हो, आप परफेक्ट डिस्क्रिप्शंस देते हो, तो ये राइटर के लिए भी एक क्रिएटिविटी का जरिया बन जाती हैं, आर्ट में भी इमेजिनेटिवली क्रिएटिव बनने का और लाइफ में भी। तो जो डिवाइसेस पोएम में यूज़ की गई है, पहला सिमिली है जहाँ पे कंपैरिजन होता है लाइक और एज यूज़ करके, ठीक है। और एग्जांपल्स जो है वो मैंने पोएम में आपको दी है, लाइक डू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ सन, ओके। फिर हमने डिस्कस किया एम ऑफ कंपैरिजन, व्हाई डू वी कंपेयर, ओके, वी कंपेयर थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स इन ऑर्डर टू हाईलाइट द ब्यूटी, इन ऑर्डर टू एलिवेट द नोबिलिटी ऑफ द
person, okay? Then we discuss rule for the comparison. हम comparison तभी करते हैं जब आप किसी चीज़ को उस चीज़ के साथ compare करते हो जो कि beauty में, power में उससे बढ़कर होता है, तो ये comparison का rule होता है. Second device which has been used in the poem is metaphors. Metaphor में आपको मैंने बोला, इसे हम उर्दू में इस्तियारा कहते हैं. इसमें भी comparison होता है, लेकिन we don't use like or as, okay? And in poem we have so many examples of metaphor like nectar of knowledge, way for truth, dwell in ignorance, you are my hope and trust, and last one is you brought me to bloom. फिर एक और लिटरेरी डिवाइस आपकी पोइम में यूज़ की गई है जिसे आप इमेजरी कहते हो. इमेजरी के ज़रिए से रीडर्स के माइंड में इमेजेस, मेंटल पिक्चर्स खड़ी की जाती हैं. यहाँ पे आप विजुअल इमेजरी पोइम में देखते हो जहाँ की, जबकि फ्लावर, सन, मून, ये वर्ड्स आपकी पोइम में यूज़ किए गए हैं. फिर आपने ऑडिटरी इमेज पढ़ा जहाँ पे आपको ऐसी इमेजेस बन जाती हैं जो कि ऑडियो के रिलेटेड है, जहाँ ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं यही आपकी पोइम में लिखे हैं. तो उसके बाद एनाफोरा हमने डिस्कस किया कि एनाफोरा एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पे आप एक ही लाइन को, एक ही फ्रेज़ को बार बार सक्सेसफुली लाइंस में यूज़ करते हो. और इसकी जो एग्जांपल है पोइम में, दैट इज़ लेट मी एंड लेट मी, थ्राइस द सेम वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा, ठीक है. तो उसके बाद जो लास्ट वाला हमने डिवाइस पढ़ा वो है एंटीथीसिस, इन विच राइटर गिव्स अ थीसिस देन उसका अपोजिट देता है, ठीक है. थीसिस, एंटीथीसिस. तो इसकी पोइम में जो एग्जांपल है, इन फॉर्म आई एम अ मैन बट इन सबस्टेंस फार फ्रॉम ह्यूमैनिटी. सो ऑल दीज डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन द पोइम. सो आई होप आपको एक क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. If you guys have any confusions, you can comment me in the comment box, and all your queries and questions will be appreciated. If you like the video, press the bell icon and subscribe the channel. Thank you so much.